स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका की लॉस एंजलिस कोर्ट में शुक्रवार को 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की प्रत्यारोपण मामले में सुनवाई होनी है। भारत के अनुरोध पर प्रत्यारोपण की सुनवाई लॉस एंजलिस कोर्ट में होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया है। इस दौरे में उन्होंने रूस के एनएसए के साथ 2 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर के मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके थे। मीटिंग से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, पाक वाला बयान उनका निजी है, हमें वतन से लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान के कार्यक्रम में एक रूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही परीक्षा कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं। कश्मीर को लेकर आज बड़ा ऐतिहासिक दिन था। दोपहर 3 बजे से कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग चालू हुई। इधर बैठक के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बैठक का दौर जारी है। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर मुंबई, यूपी, गुजरात और कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। यूपी गुजरात समेत कई रूट्स पर 25 जून से फिर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेन। कोरोना महामारी के बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका के राजवाड़ी हॉस्पिटल में एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आईसीयू में वेंटिलेटर पड़े एक मरीज की आंख चूहे ने कुतर डाली है। बुधवार को उस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के गोपनीय नीति की जांच से संबंधित नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पिछले 10 सालों में इंडिया का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम से 25 में से सिर्फ 3 टेस्ट जीते हैं। पाकिस्तान ने जबकि 21 में से 4 टेस्ट जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत कदम, विकास किशन पुरुष बॉक्सिंग में देश के सबसे बड़ी उम्मीद। लगातार 3 बार एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले एकलौते भारतीय मुक्केबाज हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।